अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आएँ मेरे साथ कुछ घर की, बल्कि घर ही की रूटीन को एंजॉय करें। बहुत से लोग कहते हैं जिस व्लॉग में आपकी कुकिंग होती है वो देखना हमें अच्छा लगता है, तो कुकिंग में शूट करके भी नहीं दिखाती कि मुझे ये होता है कि बहुत अच्छे अच्छे कुकिंग चैनल्स हैं, उन पे अच्छी अच्छी कुकिंग होती है। तो लेकिन ये कि जब आप में से ही कुछ लोग फरमाइश कर दें कि आप अपनी कुकिंग दिखाएँ, तो इस दफ़ा हमने आपकी फरमाइश पूरी कर दी। चलें हमारे साथ एंजॉय करें कुकिंग से पहले थोड़ी सी कहानी कुछ और भी। ये दोनों वीडियोज़ ही औरंगज़ेब के सफ़र की हैं, जिनको देखते ही पहली कैप्शन जो मेरे जहन में आई वो मैंने आप सबसे शेयर कर ली। नीचे वाली वीडियो में गाड़ियां तेज़ी से भागती जा रही हैं, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह, जो तेज़ी से हमारे हाथों से फिसलती जा रही है लेकिन बहुत शेक कर रही है, उन सब मसाइल की तरह जो रोज़ाना सर उठाते हैं उनसे निपटते हैं, फिर नई कहानी तैयार होती है। और ऊपर वाला सफ़र देखने में तो बहुत मज़े का, पुरसकून और सुहाना लग रहा है, लेकिन ये कि उसकी मंजिल का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। और अगर आप में से किसी का सफ़र ज़िंदगी का, YouTube का हमारी तरह है, तो आप सबको भी बेस्ट विशेज़ और बेस्ट ऑफ लक भी। अब भाई मुकद्दर में इतने केक इन्जॉय करना लिखा है तो क्यों छोड़ें मौका हम भी। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड बहुत टाइम के बाद हमसे मिलने के लिए आई, तो ये मज़ेदार सा केक लेके आई जिसे हमने उनके साथ मिल के मज़ेदार सी गपशप के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ इन्जॉय किया। पिछले दिनों कमेंट्स बैक करते हुए एक चैनल पर मेरी नज़र से कैंडी क्रश गेम गुजरी, तो मुझे अपनी गेम याद आ गई कि एक साल पहले मैंने आपसे अपनी गेम का लेवल शेयर किया था, 8391 है। तो मैंने अब चेक किया, अब खेल तो लेती हूँ लेकिन लेवल वगैरह नहीं देखती कितने क्लियर हुए कितने नहीं हुए, बस टाइम पास के लिए जब लाइट ना हो, नेट ना हो, कोई काम ना हो तो गेम खेल लेती हूँ। तो अब इसका लेवल 8903 हो गया है, ऑलमोस्ट 500 लेवल्स इतनी मसरूफियत के बावजूद मैंने क्लियर कर लिए। मुझे तो ये गेम बहुत पसंद है। तब बहुत सारे मेंबर्स ने अपनी अपनी गेम्स उनके लेवल्स शेयर किए थे, अब बहुत सारे नए यूट्यूब मेम्बर्स हमारी फैमिली में ऐड हो चुके हैं, वो अपनी अपनी फ्री टाइम की गेम की मसरूफियत उसका लेवल शेयर करना चाहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी अब आ जाते हैं फाइनली कुकिंग की तरफ। घर में बनाया बैंगन का भरता, बहुत टाइम के बाद बनाया, जब से चैनल स्टार्ट किया है फर्स्ट टाइम बनाया, तो फिर आपको दिखाने के लिए शूट कर लिया। डिफरेंट चैनल्स पर भरता बनाने के डिफरेंट तरीके देखे हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। हम बहुत सादा तरीके से बनाते हैं, आग पे अच्छी तरह से बैंगन को जला के उसका छिलका उतार के फिर उसके पीसेस करके उसे ऑयल में फ्राई करके सारे मसाले डाल लेते हैं, और उसके बाद प्याज, हरी मिर्च और टमाटर डाल के तो उसे दम लगा देते हैं, और फिर नाश्ते में इंजॉय करते हैं पराठे और दही के साथ। आप कैसे इंजॉय करते हैं ज़रूर बताइएगा। अभी वॉइस ओवर करते हुए मुझे ख्याल आया कि जो सेकंड रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो भी हमने ब्रेकफास्ट के लिए ही रेडी की थी। मेरे पास बीफ की बड़ी बड़ी हड्डियाँ मौजूद थी जिनके साथ बोंग और रेशेदार गोश्त लगा हुआ था, इसकी यखनी तैयार की, प्याज, नमक, हल्दी, साबुत गर्म मसाला डाल के अच्छे से गोश्त को गला लिया और इसी में से तरी निकाल के दूसरी तरफ मैंने मज़ेदार सा मसाला भून के फिर इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, और इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला, सब्ज़ मिर्च और अदरक के साथ इसे गार्निश किया, और फिर संडे मॉर्निंग में गर्मा गर्म नान के साथ ये मज़ेदार सा हेल्दी सूप हमने इंजॉय किया। आप भी ट्राई कीजिएगा, बिलीव मी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन मैं और मुसरा घर में थे, कुछ भी हैवी खाने को दिल नहीं कर रहा था, ना दाल, ना सब्ज़ी, ना चावल, तो सोचा कुछ हल्का फुल्का मीठा बना लिया जाए। तो घर में पड़ा हुआ था ये सेवइयों का पैकेट, इन्हें वैसे ये बारीक सेवइयाँ दूध में ज़्यादा अच्छी बनती हैं लेकिन मुसरा दूध वाली सेवइयाँ नहीं खाती, तो इसलिए मैंने कहा कि दूध के बगैर वाली बना लेते हैं। सेवइयों को बारीक बारीक तोड़ लिया, देगची में घी गर्म करके इलायची कड़कड़ाई, सेवइयाँ फ्राई की और फिर उसमें चीनी ऐड कर दी। चूँकि ये बहुत बारीक सेवइयाँ होती हैं तो इसमें बहुत थोड़ा पानी डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके जब सेवइयाँ सॉफ्ट हो गई तो इनमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करके तो इन्हें दम लगा दिया। जब ये खोली जाती हैं तो ये जुड़ी हुई होती हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ, और इन्हें फोर्क से अलहदा करें भाप निकलने के बाद, तो फिर बहुत ही मज़ेदार सेवइयों के जर्दे की तरह ये रेडी हो जाती हैं। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, हमने मज़े से इंजॉय की अल्हम्दुलिल्लाह। और एंड पे इंजॉय करें हसन बिलाल और अब्दुल हादी की क्यूट एक्टिविटीज़।
जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएँ और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।